रेहोड़ा क्षेत्र की जान व शान, परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे नेताजी माननीय सम्माननीय राम सजीवन यादव, आप मंच तक आए और आकर के अपनी सुमधुर वाणी के माध्यम से हम बच्चों को, अपनी माता बहनों को, इस जीती जागती मिसाल को, इस पिछड़े हुए ग्राम को आप श्री मुख से संबोधन करने की कृपा करें। माननीय श्री राम सजीवन यादव, सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र रेहोटा। बहन जी थोड़ा सा समय दें। धन्यवाद का करवाऊं अब, क्योंकि हमें अभी अभी विदित हुआ है कि आपके भी कार्यक्रम बहुत जगह लगे हुए हैं। धन्यवाद, आपको जाना है, इसलिए हम दो शब्द आपसे बुलवाना चाहते हैं कार्यक्रम के समापन के विषय में, या इस कार्यक्रम की जो भी आपके दिल में हो वो बोल कर जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस ब्रज की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, आज जो कृष्ण राधा का जवाबी कार्यक्रम यहाँ रखा गया वो बहुत सराहनीय है। आजकल ये हमारी ये बुंदेलखंड की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, नहीं तो गांव-गांव में हर जगह जब कार्तिक का महीना आता था तो हर गांव में ये कार्यक्रम चलते थे, लेकिन अब तो बहुत कम हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ भैया की कमेटी को और इस समस्त ग्रामवासियों को भी जो निरंतर मेहनत करके हर साल इस कार्यक्रम को रखते हैं। इस कार्यक्रम राधा कृष्ण का झगड़ा है और इसमें सवाल जवाब होते हैं। फिलहाल जो पहले होते थे वो तो हमें नहीं दिख रहे, ना तो अगर कोई राधा हो सवाल पूछने के लिए तो सवाल पूछे, और अगर जवाब भी देना हो तो हम पूछ लें, अगर तुम ना दे पाओ तो। अगर कार्तिक जी ने नहा हो तो एक छोटो सो सवाल है कि पचभितियां हैं कौन कौन सी राधा नाम गिनाओ, पचभितियां हैं कौन कौन सी राधा नाम गिनाओ, नहीं तो दान दही को दे दो फिर घर खा तुम जाओ। भाई हम तो आए दही खावे के लाने, हमें तो कहूं देख नहीं रहो कहां है भैया, इसे है ही में तो सुनो। चंचल ग्वालन चित हरो, चंचल ग्वालन चित हरो, तिरछे भोहे नैन, ओ मन ही मन मुस्कियाए रही बोले तीखे बयान। जय बंसी वाले की। अगर आपके ई में है तो हमें कहना है कि हमारे ग्वाल बाल भी बहुत हैं, तो कहना है कि दे दो तन तन सब ग्वालन खा। ये नेताजी जो बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के जो प्रोपराइटर हमारे शिवपाल भाई हैं, उन्होंने आपको मुझे संकेत किया है कि आप भैया जी के नेताजी के द्वारा ये गीत जरूर सुनवा दें। हम राधा रानी से कहेंगे कि दे दो तन तन सब ग्वालन खा, जय हो ये नखरे ना कर गुजरिया, जय हो इते आ जाओ।
अब तुम असली कन्हैया के चक्कर में फंस गई। हमारी बात सुन लो पहले। दूध में पानी मिला बेचती बेच दो ईमान। जय हो। जब भी आउती जे तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। सही बात। अब तुम बताओ वृंदावन से मथुरा में आओ बेच बे के लाने तो दान लगा वो चारों कोने में हमारे ग्वालवाल खड़े हैं बेचारे सवेरे के भूखे प्यासे हैं और दही हमें तो दिखा नहीं रहो कहाँ है। हेलो अरविंद यादव नहदोरा एक से एक रुपया हमारे नेता जी की निधार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहना क्या है कि दूध में पानी मिला बेचती बेच दो ईमान। बेच दो ईमान। ईमान बेच के आई ठीक नहीं हम मांगे तुमसे मंगा रहे दान। जय हो। ठीक नहीं हम मांगे तुमसे मंगा रहे ददान के दे दो दे दो के दे दो तन तन ही यार कन खा न करे ना कर दूसरी। जय हो। नहीं लर कन खा न करे ना कर ला गुरिया। ये दे दो तन तन ही लर कन खा न करे ना कर गुजरिया। हमारे ग्वाल बात प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना कर गुजरिया के राम भाई ना कर गुजरिया। ना कर गुजरिया के राम भाई ना कर गुजरिया। दे दो हो दे दो तन तन ही लर तन खा नखरे ना हो। दे दो तन तन ही लर तन खा नखरे ना कर कहना है। अभी कई हमारी गोप का आई थी राधा का कहती कि तुम्हारे दो बाप हैं। यही बात है ना। हाँ हाँ दो बाप बन के जाए। ये हमारे प्रबंधक महोदय महारानी लक्ष्मीबाई बरौली के प्रबंधक महोदय हमारी माता जी शिव सिंह यादव जी की माता जी ये एक से एक रुपया हमारे नेताजी की निछावर करके हमको प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधु। ये 51 रुपया हमारे नेताजी की निछावर कर रहे हैं काली चरण कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहती है कि दो बापन के। हाँ बिल्कुल अब मिलो तुम। अच्छा सुनो अब तुम कैसी हो कहो तो तुम्हारी पैसों की पोल खोल दे। बिल्कुल बिल्कुल खोल दे। बोले के पिता हमारे नंद बस देव हैं कह रही हो तुम साँच। बोल बंसी वाले की। पिता हमारे नंद बस देव हैं कह रही हो तुम साँच। ओ वेद शास्त्र में बता दए हैं पिता होते हैं पाँच। पाँच एक नहीं मैंने पहले कहा था कि तुम दो बता रही थी। ओ वेद शास्त्र में बता दए हैं पिता होते हैं। जय हो। दे दो दे दो के दे दो तन तन ई लरकन खा नखरे ना कर। जय हो। और ये एक से एक रुपया से हमारे नेता जी की निछावर नौरंगा जिला पंचायत सदस्य हमारी बहन जी बिमलेश श्रीमती बिमलेश कुमारी अहरवाल जी 101 रुपए से नेताजी की निछावर करके गई हैं। बहुत बहुत साधु। और 101 रुपया अनिल गौतम बरौली निछावर कर रहे हैं नेताजी की। बहुत बहुत और ये 101 रुपया चिकित्सा अधिकारी सरीला माननीय श्री शिव सहाय यादव जी अपने नेताजी की निछावर करके प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधु। दे दो लांगुरिया तनक सो दे दो लांगुरिया। दे दो दे दो दे दो दे दो तनक तनक लारे खल ख तुम्हारी सो दे दो लांगुरिया। नेताजी आखिरी बात कहेंगे हम। ये वही शख्स है जिसकी बकरियां
आकाशी बिजली से मर गई थी। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया वर्णन नहीं है। एक बाहर का आदमी आता है आपके क्षेत्र में, आप लोगों ने जिता दिया, आपने बोला था आप हमारे ऋणी हैं, आप हमारे ऋणी नहीं है। पूरे क्षेत्रवासी सुन लो, हम आपके ऋणी हैं, और हर वक्त हर गरीब के सुख में दुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा, और जिस लायक रहूंगा उस लायक मदद भी करता रहूंगा। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि वो ये एक ऐसी जागृत मिसाल और मूर्ति हैं जिन्होंने किसी दूसरे के दम पे नहीं बल्कि अपने अपने कर अपने हाथों से हर घड़ी में इस क्षेत्र की जनता का सहयोग और आत्मबल बढ़ाया है। अभी अभी ताजी घटना जो ग्राम बिरहट में हुई थी, तमाम नेताओं को जिता करके हमने यहाँ से लखनऊ तक भेजा, लेकिन किसी ने उस गरीब की बेचारे की कोई नहीं सुनी। ये हमारे आदरणीय बड़े भाई नेताजी राम सजीवन यादव एक ऐसी मूर्ति हैं जिन्होंने अगर किसी को सूचना, यहाँ तक कि इनको फोन तक नहीं मिला और सिर्फ फेसबुक पर भी ये कहानी देख करके तुरंत भागे चले आए और उस गरीब हमारे भाई को बहुत बड़ी मदद की इन्होंने। ये 201 रुपया से हमारे नेताजी की निछावर कर रहे हैं ग्राम प्रधान श्रीमान जी राकेश यादव, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपया सालू की दादी माँ राघवानी यानी कि गोपका बनकर आई हुई है, निछावर कर रही है, नेताजी की बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके अंदर की बात आप लोग झांक करके देखिए, गम्मे होकर की वो कहते हैं कि आप ऐसों को चुनते हैं जो आपको दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन ये अपने हैं, हम इनके ऋणी। वो कह रहे हैं कि हम आप हमारे ऋणी नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ऐसे हमारे बड़े भाई हैं कि दे दो तन तन इन लड़कन खा, वहीं पे आ जाते हैं। थोड़ा गम हुआ, भावुक हो गए थे, अब फिर से वही के दे दो तन तन इन ग्वालन खा, नखरे ना कर गुजर। और ये हमारी बहन गुड्डी गुप्ता जी, ये हमारे नेताजी की निछावर 11 रुपए से कर रही हैं, और मन नहीं मानो तो माइक ले लो, जबरदस्ती होते से काफी देर से इशारा कर रहे लेकिन हम नहीं सुन रहे, लेकिन जबरदस्ती छुड़ा लो माइक। अब सुनो पहले इनकी बातें सुन लो। नहीं नहीं, अब तुम अपनी बात नहीं सुनाओ, तुम्हें सुनाए के लाने बहुत है दीदी। एक मिनट, पहले नेताजी की बात है उसके बाद में हम सुनेंगे। 16 सहस 8 पटरानी परशुराम।